Good morning, students. So today our topic is new subunit capacitance and capacitor. This is last subunit of the first chapter. इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, मल्टीपल चार्ज, सिंगल चार्ज वगैरह वगैरह. आज हम पढ़ते कैपेसिटर एंड कंडक्टर. कंडक्टर आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर. कैपेसिटर्स क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है, दो चीजें हैं. बेसिक पढ़ते हैं थोड़ा. कैपेसिटर नाम सुना होगा. कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर की एक ऐसी डिवाइस होती है, इज ए डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. कैपेसिटर हम ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो चार्जेस को स्टोर करता है. इट इज ए डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी. और कैपेसिटेंस क्या होता है, हम आगे इसका प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ा सा बेसिक. कैपेसिटेंस कैपेसिटर इज नोन एज, इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस ठीक है. अब कैपेसिटी और कैपेसिटर को हम कहते हैं कैपेसिटेंस. और कैपेसिटेंस होता ही क्या है, एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की. कैपेसिटर इसकी प्रॉपर्टी है जो इसकी कैपेसिटी बताता है. किसकी? कैपेसिटर की. कैपेसिटर हम बोलते हैं एक ऐसी डिवाइस को दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, स्टोर चार्ज. किस फॉर्म में? चार्ज या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी कंडक्टर हमने पीछे पढ़ा, किसी कंडक्टर हम चार्ज देते हैं. चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ये वही डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है या एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बैटरी सुना होगा. बैटरी का नाम सुना होगा. बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी इज ऑल्सो यूज टू स्टोर एनर्जी. बैटरी भी एनर्जी स्टोर करता है और कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है. फर्क क्या है दोनों? कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करेगा और बैटरी भी एनर्जी स्टोर करेगा. बैटरी क्या है? बैटरी जो है आपको एनर्जी देगी आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड स्लोली. कैपेसिटर जो है आपको एनर्जी एट इंस्टेंटली देगी, एक ही वक्त में एनर्जी इंस्टेंटली एनर्जी प्रोड्यूस कर देगी. और बैटरी जो है स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लोली एंड स्लोली एनर्जी आपको देती जाएगी. और कैपेसिटर देखा होगा आपने, मोटर्स में यूज होता है, फैंस में यूज होता है, ये मॉडर्न डीएसएलआर यूज करते हैं हम. इसमें कैपेसिटर यूज होता है, इंस्टेंटली एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कैपेसिटर और बैटरी दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं, बट मेन डिफरेंस ये है कि कैपेसिटर जो है इंस्टेंटली एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है. कैपेसिटेंस जो है विद इन कैपेसिटेंस जो है इसकी कैपेसिटी को डिनोट करता है. कैपेसिटी ये किसकी प्रॉपर्टी ऑफ है, किसकी है? प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर है. अब देखो, अब बात है कोई कंडक्टर जो है, किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बढ़ेगा उसका. वो कितना बढ़ेगा? हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर? हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं? हाउ मच चार्ज
कैन बी स्टोर्ड। कैपेसिटर में हम कितना चार्ज स्टोर करते हैं, क्वेश्चन ये भी, हम चलो हम बात है कि कैपेसिटर में हम जो है एनर्जी स्टोर करते हैं और कितनी एनर्जी स्टोर, इसकी भी कोई लिमिट होगी, पर्टिकुलर लिमिट होगी, यहां से अगर हम एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएंगे, एक पर्टिकुलर लिमिट है। आप देखें, ध्यान से देखना, एक कंडक्टर लेते हैं हम, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया चार्ज हमने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर, जब कंडक्टर को चार्ज दिया हमने, उससे क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा पोटेंशियल, दोनों चीजें इंक्रीज होगी, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे, ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज। अब क्वेश्चन है, कंडक्टर को हमने चार्ज किया, इसमें पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और फील्ड इनसाइड, हमने पढ़ा था पीछे फील्ड इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर कितनी होती है, फील्ड इनसाइड द स्फीयर, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो, इलेक्ट्रिक ये है चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा, ये रहो आउटसाइड ये फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो आउटसाइड में क्या है, इसके एयर है, आउटसाइड के कहीं भी एयर, एयर है, अगर मानते एयर है, एयर एयर किससे बनी, एयर में क्या है, एटम्स है, एटम्स इस तरह से एटम है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है एटम में, और वो नेकलेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहां से रिवॉल्व करता है, आपको पता है नेकलेस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, ये है एटम, ठीक है, सराउंडिंग में ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये जो है जो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है सराउंडिंग अराउंड द नेकलेस, इसमें दो फोर्सेस एग्जर्ट कर रही है, एक फोर्स फिलहाल कर रही है एग्जर्ट, ये कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स समाधान। अब ये जो है न्यूक्लियर से बाउंड है बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स चार किस्म की होती है, पता होगा आपको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये होल्ड करके है एटम को, अब जो है एटम लूज करेगा कौन सा, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लूजली बाउंड जो है ये इलेक्ट्रॉन होगा जो रिवॉल्व करेगा बाहर से, वही लूजली बाउंड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है न्यूक्लियर फील्ड से, ये न्यूक्लियस से बाइंड है। अब जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बढ़ाते जाएंगे, चार्ज बढ़ा रहे हैं कंडक्टर पे, चार्ज बढ़ा रहे हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस इसका एग्जर्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, इस इलेक्ट्रॉन पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और उसके उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो ही हो जाएगी तो ये लिबरेट हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, बस जो एनर्जी जो है इसको लगेगी, द एनर्जी एनर्जी यूज इट, जो एनर्जी हमें लगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो एनर्जी लगी इस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकलने में, उसी को कहेंगे हम लीकेज
कोई होता लीकेज या फिर आयोनाइजेशन। अब आप आए और क्वेश्चन पे, हम एनर्जी कितनी स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर में, इतनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं कि वहां जब तक लीकेज ना हो। लीकेज कब होगा? जब जब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल देगी, लिबरेट कर जाएगी, उसके बाद जो है लीकेज हो जाएगा। वहां तक जितनी एनर्जी लगेगी वो जो होगी उसी को हम लीकेज भी कहेंगे और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहेंगे। वही है लीकेज हुई आयोनाइजेशन, उतनी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक, ये था बेसिक ऑफ इसका। थोड़ा बहुत समझ आया, हमने कंडक्टर लिया था, कंडक्टर में हमने चार्ज, कंडक्टर हमने चार्ज लिया, चार्ज इंक्रीज होता गया थोड़ा थोड़ा इंक्रीज, हमने चार्ज बढ़ाते हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, कितना बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बढ़ाया। और इसके सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल उसमें एटम्स है, एटम्स को हमने उसका आउटर सोर साइड का इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको लिबरेट करना है, वहां से निकालना है, और वो बाइंड है किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमने इतनी फोर्स लगानी है उसपे कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है इससे ज्यादा फोर्स हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की, जब फोर्स ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन वहां से लिबरेट हो जाएगा और उसके बाद लीकेज शुरू हो जाए, बस उस पॉइंट तक हम एनर्जी इसमें स्टोर कर सकते हैं इसमें कैपेसिटर में। अब आगे आपका क्वेश्चन आता है कैपेसिटर और कैपेसिटर का प्रिंसिपल, कैपेसिटर का प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर इज कैपेसिटेंस इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, स्टोर एनर्जी। अब किसी कंडक्टर में जब हम एनर्जी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे उससे क्या होगा? पोटेंशियल इंक्रीज होगा उसके मैक्सिमम। किसी कंडक्टर को जब हमने चार्ज किया उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी वी, ये सी है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस वी कॉलम फैराडेस का यूनिट। चार्ज कितना दिया? चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल, इट्स पोटेंशियल बाय वी। ठीक है, बाकी हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।